जितने भी सूक्ष्म तत्व जो है वो इस पानी में है। आपने क्या महसूस किया कि इस पानी से जी, आपने जब इस पानी को खेतों में देना शुरू किया तो एक तो किसानों के पैसे की बचत हुई और दूसरा क्या आपने महसूस किया कि उससे खेती में फर्क पड़ा? खेती में खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है जो खेती के लिए पानी धरती से निकाल कर खेती को देना था वो भी पानी बचा, और 7 पावर बच गई। 3 पावर लगाई है, 7 पावर वहाँ बोरवेल करते तो 7 पावर लगती। हमने पानी देख लिया कैसे उसको साफ किया गया, एक गांव के सीवरेज का पानी, और वो लिक्विड खाद में कैसे बदल गया बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी बड़ी टेक्नोलॉजी से, गांव की छोटी मोटी जो चीजें होती हैं जो पुराने तजुर्बे से आई उनसे। इसका असर क्या होता है फसलों में वो देख लेते हैं जी। जहाँ पर बोर कर जहाँ मोटर लगाएंगे, 10 की मोटर लगानी पड़नी पड़े, 10 हॉर्स पावर की, 10 हॉर्स पावर की, वहाँ पर 3 की लग गई, 7 हॉर्स पावर बच गई। 7-10 हॉर्स पावर का पानी नीचे का जो निकालना था वो बच गया, वो बच गया। फिर जो खाद खेतों में डालनी थी वो बच गई, जो शहर गांव में प्रदूषण फैलना है बदबू आनी थी उससे बच गए, वहाँ कोई बदबू नहीं, साफ पानी है। जे इस इलाके में जो खेती करते हैं ना लोग आलूओं की, वो आलू का सीड तैयार करते हैं, अब 13 रुपए किलो सीड भी बिक रहे हैं। यानी कि इस आलू, ये आलू चूंकि ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल कोई फर्टिलाइजर नहीं है, इसलिए इसे बेहतर माना जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भाव तो वही चलता, पर जिमीदार को बच गया, उसने खाद नहीं डाली, उसका पानी का पैसा बच गया। पानी तो लगी गया, पानी इधर से मिल गया, वो तो हमारी धरती को मिल गया। यहाँ काम कभी बंद नहीं होता, गलियों में पड़े कचरे को खाद बनाने की तैयारी हो रही है, मशीन गांव के ही कारीगरों ने तैयार की है, टेस्टिंग की जा रही है, आगे मशीन में और सुधार किया जाएगा। लेकिन क्या बड़े पैमाने पर गंदे पानी को उपजाऊ पानी में बदला जा सकता है? सुल्तानपुर लोधी के पास की इस बस्ती में गंदे पानी की मदद से एक उजाड़ जगह है और रेलवे स्टेशन को हरा भरा बनाने का प्रयोग शुरू हो चुका है, लेकिन अब जो आप देखेंगे वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने जब पहली बार इस नदी पे काम करना शुरू किया उस समय इसकी क्या हालत थी? उस समय तो जब काम शुरू किया वे तो मर चुकी थी, क्योंकि इसके पानी भी बारिशों के मौसम भी चलता था, सारा साल नहीं चलता था। इसकी सफाई भी हम ट्रैक्टरों के साथ किए, पानी नहीं था इसमें। जहाँ से आती थी वहाँ जे रुकने से वहाँ सेम पड़ गई, वाटर लॉगिंग होगी, जहाँ पर ना तो हर वक्त पानी रहता था और गंदे पानी, कपूरथला और रास्ते के जो गांव पड़ते हैं सभी का गंदा पानी इस नदी में पड़ने लगा, तो लोग इससे दूर हो गए, वहाँ सरोवर बना लिया, इस नदी को छोड़ दिया। हम 2000 में ये सेवा का कार्य शुरू किया, गुरु नानक पातशाह ने कृपा की, तो 2006 में भारत के राष्ट्रपति इस नदी को चल के देखने आए। अच्छा। जो पहले लोगों ने अपने हाथों से जो काम किया उनकी जो अखबारों के माध्यम से उन्होंने पढ़ा, तो आप 2004 में इसको 9 अचीवमेंट ऑफ इंडिया भारत की अब तक की 9 प्राप्ति में 1 में शामिल किया। तो मतलब काली बेई जो थी वो पूरी तौर पे अपने पुराने रूप में आ चुकी है, एकदम स्वच्छ पानी इसमें चल रहे हैं। बाबा एक बात बताइए, ये छोटी सी नदी थी जी, इसको आपने साफ कर लिया जी। गंगा बहुत बड़ी चुनौती है जी, गंगा को बचाना जी, बहुत बड़ी नदी है जी, उसको कैसे साफ किया जा सकता है? क्या 100% किया जा सकता है? ऐसा ही इससे भी बढ़िया हो सकता है, कि उसका पानी तो जो ग्लेशियर खोद कर आता, इसका पानी तो सेम से आता, वो पानी नहीं इसका, वो तो बहुत बढ़िया पानी आता। उसमें प्रॉब्लम जो है शहरों और गांव की गंदगी उसमें गिरती है, जो मॉडल सीचेवाल में बना है, जिचेवाल में जो सभी गांव में हो जाए तो सभी की जिम्मेदारा का पानी खेतों में चले जाएगा, गंगा साफ हो जाएगी। ये वो पानी है जो यहाँ पीने के लिए सप्लाई होता है, इसका पैरामीटर देखते हैं, इसमें TDS की जो आखिरी रीडिंग आ रही है वो है, आखिरी रीडिंग है इसमें TDS की जो सेट हो रही है वो है 332 इसकी रीडिंग है। अब काली बेई का पानी लेते हैं सीधे नदी से निकाल के, इसके पानी में डालते हैं,
174 पर, ये देखिए 174 पर ये रीडिंग सेट हो गई है, यानी जो नदी का पानी है, काली बेई नदी का जो पानी है वो उस पानी से ज्यादा शुद्ध है जो पानी यहाँ पीने के लिए सप्लाई होता है। और ये सारी चीजें एक छोटी सी कोशिश से शुरू हुई, पानी की क्वालिटी हमने आपको दिखाई और ये दिखाया कि इस समय यहाँ पर पानी देखने में कैसा है, यहाँ का सिस्टम कैसा है, सारी चीजें एक छोटी सी कोशिश से शुरू हुई। 165 किलोमीटर लंबी ये नदी है, पूरी तौर पर साफ कर दी गई। अगर कोशिश की जाए तो चाहे भले 2500 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, लेकिन गंगा को भी इतना ही साफ, इससे ज्यादा साफ किया जा सकता है।